तो बच्चों बता देते हैं, पॉलिटेक्निक रिजल्ट आ गया, फटाफट आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र पे जा करके सर्च बॉक्स में ओपन करना है आपको sarkarirezult.com, और फिर इसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आपको दिखाया जा रहा है इंटरफेस कैसे खुल रहा है, बस वेट करिए एक सेकेंड। टाइप हो रहा है सरकारी रिजल्ट, और पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे चेक किया जाएगा, पूरा स्कोर मार्क्स के बारे में बताया जाएगा कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। तो यस, आपका इंटरफेस खुल के आ गया। तो जो आपको दिया यूपी पॉलिटेक्निक जेएस यूपी एंट्रेंस स्कोर कार्ड 2019, इसी पे आपको क्लिक करिएगा। और क्लिक हो गया तो आप नीचे आएंगे जल्दी से, और आपको जो दिया डाउनलोड स्कोर कार्ड उस पर क्लिक कर देंगे। यस, आपका स्कोर कार्ड खुल जाएगा, बट इसके पहले रोल नंबर तो डालना ही पड़ेगा आपको। यस, रोल नंबर है एक लड़के का स्टूडेंट, मैं डाल दे रहा हूँ रोल नंबर, फटाफट देखिए रोल नंबर क्या है। वन फोर ज़ीरो वन सेवन थ्री फोर। अब इसके बाद बुकलेट नंबर भी डालेंगे हम लोग, वन थ्री सेवन सिक्स वन नाइन। तो ये उनका बुकलेट नंबर था, और इसके बाद सबमिट कर देते हैं। तो ये उनका जो मार्कशीट था समझ लीजिए खुल के आ गया है। तो इसको थोड़ा हम जूम करके दिखा दे रहे हैं, पूरा डिटेल भी समझा दे रहे हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। जूम हो रहा है स्टूडेंट, बस रुकिए। तो ये इनको मिला है टोटल 255 मार्क्स, और इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर, फिर आपको दिया है कैंडिडेट रिस्पांस की। क्वेश्चन नंबर तो आपको पता ही क्या चीज़ है, कैंडिडेट रिस्पांस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन जो दिया गया था उस क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन को स्टूडेंट ने चॉइस किया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इन्होंने फर्स्ट को क्या कर दिया, छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नहीं किया है, सेकेंड में इन्होंने डी को चूज कर दिया। तो शायद आई थिंक इनका आंसर किस जब मिलाते हैं डी सही है। बट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में इनके पास कुछ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम ये आई है स्टूडेंट कि इन्होंने जो सही किया है वो ए सही किया है, बट एक्चुअल में ए सही नहीं है, सही कौन है, ऑप्शन डी सही है। तो ये इनका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इस पे इनको मार्क्स नहीं मिलेगा। और जैसे बता रहा हूँ 255 मार्क्स पाए हैं, तो 90% श्योरिटी दे रहा हूँ कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सो अगर स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत है इस स्कोर कार्ड के बारे में समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको दूर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है कोचिंग की तरफ से या चैनल की तरफ से वो आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।